हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग वैकेंसियां फिलअप की जाती हैं। दोस्तों, इसमें टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल सभी प्रकार की वैकेंसियां आती हैं जो उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग होती हैं। दोस्तों, अभी इस पर न्यू वैकेंसियाँ निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी ज़्यादा पद हैं और इसमें जो स्केल है, पे स्केल है, वो भी आपका काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि आप लोग इस वैकेंसी तक कैसे पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आपको जाना है सेवा योजन पोर्टल की मेन वेबसाइट पर, फिर आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर क्लिक करना है। दोस्तों, फिर आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपकी 1 से लेकर 10 तक वैकेंसियां शो होने लगेंगी। दोस्तों, आपको नीचे जाके 10 पेजेस होगा, उसको आपको 100 पेजेस कर लेना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। इसमें मेरे के पूरी वैकेंसी शो हो रही है 100 तक। दोस्तों, आपको जाना है 52 नंबर पर। ये जो आपकी वैकेंसी है न्यू जूनियर इंजीनियर की, वो आपकी 52 नंबर पर वैकेंसी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं आपको 52 नंबर पर ले जाता हूं। आपकी 52 नंबर पे जो वैकेंसी शो हो रही है जूनियर इंजीनियर सिविल की, इसमें जो आपका विभाग रहने वाला है विकास प्राधिकरण, और जो वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी लखनऊ जनपद के लिए रहने वाली है। दोस्तों, मैं आपको इस वैकेंसी का डिटेल दिखाता हूं। दोस्तों, ये आपका वैकेंसी का डिटेल है। इसमें जो आपकी चयन कराने वाली संस्थान है, डिटेल है। इसमें जो आपका चयन कराने वाली संस्थान है, कंपनी है, वो आपकी अवनी है, जिसमें कि आपका पद नाम है वो आपका जूनियर इंजीनियर सिविल है, और जो विभाग है वो आपका विकास प्राधिकरण है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा निकाली गई है, LDA के द्वारा निकाली गई है। ये वैकेंसी आपकी पोस्ट की गई थी 6/11/2024 को। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 14/11/2024 है। अभी दोस्तों 4 दिन का समय शेष है। इसमें लमसम 463 आवेदन हो चुके हैं। अभी जो वर्तमान में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय 463 आवेदन हो चुके हैं। दोस्तों, इसमें कुल जो पद हैं, जो टोटल वैकेंसी है, वो आपके 18 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, वैकेंसी अपलोड की गई है। अनिवार्य योग्यता में आपकी ग्रेजुएट और डिप्लोमा दोनों ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है सिविल के लिए है, जैसा कि आपको पता होगा जो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से वैकेंसी निकलती है, थर्ड पार्टी के माध्यम से होती है। दोस्तों, इसमें कार्य का विवरण जो है आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फुल टाइम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन 3 ईयर के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, और डिप्लोमा के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप इच्छित वर्ग में पुरुष महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आपका जो वेतन माह है वो आपका 45,000 रुपये प्रति माह है, और जो आपकी आयु सीमा है 21 से 40 वर्ष है। 21 आपकी मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 40 साल है, और जो आप इच्छित अनुभव है वो आपका रहेगा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सीमेंट मेटल। दोस्तों, इस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस आपकी ID पर अपलोड होगा, तभी आपके पोर्टल पर ये वैकेंसी शो होगी। दोस्तों, जो कार्य का स्थल है, जो आपका वर्क प्लेस है, वो आपका लखनऊ रहने वाला है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की वैकेंसी है। आपका जो भी जॉब रहेगा वो लखनऊ में रहेगा, लखनऊ में जो डेवलपमेंट है उसी का कार्य रहेगा। और दोस्तों, अन्य विवरण इसमें आपका वही दिया गया है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों, इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी आवेदन आपके चालू हैं, 14 नवंबर तक आपके आवेदन होंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आपका जो पे स्केल है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग, उसमें जो पे स्केल रखा जाता है काफ़ी कम रखा जाता है। जैसे कि आप लोग टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी देख रहे होंगे, 5 साल का, 8 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है और 15,600 कुछ का पेमेंट है। दोस्तों, अभी सेवायोजन पोर्टल पर काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। मैं एक एक वैकेंसी का अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको उत्तर प्रदेश और ऑल इंडिया भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।